नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव सिंघवी और मैं स्वागत करता हूं आप सबका मेरे चैनल ब्लू पेलिकन वेल्थ मैनेजमेंट में। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सब सेफ और सुरक्षित होंगे और अपने घरों में लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। दोस्तों, क्या आपने मेरा लास्ट वीडियो जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया RBI के टैक्सेबल सेविंग्स बॉन्ड के बारे में था देखा है? अगर आपने नहीं देखा है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके अभी देख सकते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो जानते हैं इस वीडियो में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2004 या वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004 क्या है, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम्स के फीचर क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है या इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, क्या आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या आपको सीनियर सिटीजन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इन सब पहलुओं पर चर्चा करते हैं आज के वीडियो में। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या है। जैसा कि आपको नाम से ही पता होगा कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या वरिष्ठ नागरिक बचत योजना एक बचत योजना है, सेविंग स्कीम है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा प्रमोट की गई है। ये स्कीम बेसिकली प्रमोटेड हुई थी पोस्ट ऑफिस के द्वारा, जहां इसमें इनिशियली इंटरेस्ट रेट था 9.6%, फिर कुछ क्वार्टर के बाद में घट के हो गया 8.6% और अभी इस क्वार्टर में जो कि अप्रैल मई जून 2020 चल रहा है, इस क्वार्टर में इसका इंटरेस्ट रेट है 7.4%। ये स्कीम सीनियर सिटीजन या वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बहुत ही ऑप्टिमम सॉल्यूशंस है, एक फिक्स डिपॉजिट के लिए, एक गारंटेड इनकम के लिए, क्योंकि ये स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट की गई है तो इसमें स्कीम में कोई भी लॉस हानि या क्षति होने की कोई संभावना नहीं है। ये स्कीम 100% सेफ है, सिक्योर है, रिलायबल है। तो अब जानते हैं इसके और फीचर्स के बारे में। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में कौन इन्वेस्ट कर सकता है, एलिजिबिलिटी। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कोई भी वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन जिसकी एज 60 साल या उससे ज्यादा हो वो इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और कुछ ऐसे भी प्रोविजन है जहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रखा है या फिर आर्मी के डिफेंस पर्सनल जिनकी एज 60 साल से कम है वो भी इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 या 1000 से होता है या 1000 के मल्टीपल में होता है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स इस स्कीम के अंदर 15 लाख होता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 15 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट्स आप नहीं कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट सीनियर सिटीजन सेविंग्स में इंटरेस्ट रेट इस क्वार्टर में 7.4% है। अगर मैं लास्ट क्वार्टर की बात करूं जनवरी फरवरी मार्च 2020 की तो उस समय इंटरेस्ट रेट था इसका 8.6% जो कि 8.6% से घट के अभी आ गया है 7.4%। अगर आप इस क्वार्टर में अप्रैल मई जून 2020 के क्वार्टर में अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपके लिए इंटरेस्ट रेट पेबल होगा 7.4% का। टेन्योर सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के अंदर टेन्योर 5 years का होता है जो कि 3 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर आपने या अगर आप एक सीनियर सिटीजन है या आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है उन्होंने एक सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है 5 साल के लिए तो वो उसे 3 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं। एक्सटेंशन की आप एप्लीकेशन आपको 4th से 5th ईयर के बीच में देनी पड़ती है। आपकी FD क्लोज होने के 1 साल के पहले अगर आप एप्लीकेशन देते हैं तो ये 3 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं। सीनियर सिटीजन का जो टेन्योर है वो 5 ईयर का फिक्स होता है। अब इसके इंटरेस्ट पे कैलकुलेशंस करते हैं। सीनियर सिटीजन का जो इंटरेस्ट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली होती है। सीनियर सिटीजन एक नॉर्मल FD नहीं है जिसमें आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली या क्यूमुलेटिव ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें केवल एक ही ऑप्शन अवेलेबल है सारे इन्वेस्टर्स, सारे क्लाइंट्स या सारे डिपोजिटर्स के लिए, वो है क्वार्टरली मोड पे। इंटरेस्ट का पेमेंट क्वार्टर के फर्स्ट रेट में जैसे 1st of April, 1st of July, 1st of October एंड 1st of January की प्री डिटर्मिनेंट डेट्स पे किया जाता है। अब बात करते हैं प्री मैच्योर पेनल्टी पे। सीनियर सिटीजन सेविंग्स FD जो कि 5 साल के लिए की जाती है उसमें 1 साल सबके लिए लॉकिंग होता है। किसी भी इन्वेस्टर क्लाइंट्स या डिपॉजिटर्स ने ये जो FD की है वो 1 साल तक FD को प्री मैच्योर नहीं कर सकते, प्री मैच्योर 1 साल के लिए नहीं कर सकते क्योंकि 1 साल उनका फंड्स लॉकिंग होता है। अगर वो प्री मैच्योर करते हैं 1 से 2 साल के बीच में तो उन्हें 1.5% की पेनल्टी देनी पड़ती है प्रिंसिपल अमाउंट में। वही अगर वो 2 से 5 साल के बीच में प्री मैच्योर कर रहे हैं तो उनकी जो पेनल्टी है वो 1% होगी। सो क्लाइंट्स और इन्वेस्टर हैव टू पे 1.5% पेनल्टी इफ दे प्री मैच्योरिंग देयर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बिटवीन 1 to 2 years एंड दे हैव टू पे 1% पेनल्टी इफ दे प्री मैच्योरिंग देयर सीनियर सिटीजन स्कीम्स बिटवीन 2 to 5 years। अब सीनियर सिटीजन की टैक्स पे बात करते हैं। सीनियर सिटीजन की जो स्कीम है उस पर टैक्स एप्लीकेबल है, उस पर TDS डिडक्ट होता है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख या थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है तो आप 15G या 15H का फॉर्म देके TDS को अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज आपका इंटरेस्ट 10,000 रुपये से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में होता है
तो आपको 10% TDS देना पड़ेगा। ये TDS आपके FD के इंटरेस्ट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट में से डिडक्ट होकर आपको मिलेगा। अगर आप 15 लाख रुपए की FD करते हैं और उसका रिटर्न 7.4% इस क्वार्टर में है, तो आपकी जो क्वार्टरली इनकम होगी वो होगी 27,750 रुपीज, 27,750 रुपए। उस पर से 10% TDS डिडक्ट होकर आपको मिलेगा। अब बात करते हैं, आपने जो सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं उसमें से 1.5 लाख रुपीस आप ATC में भी डिडक्शंस ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन FD के अंदर आप नॉमिनेशंस कर सकते हैं, नॉमिनेशन आप एक से ज्यादा व्यक्ति का कर सकते हैं, और इन बिटवीन अगर आपको कभी नॉमिनेशन चेंज करना हो तो नॉमिनेशन चेंज करने की फैसिलिटी भी है इसमें, तो आप नॉमिनेशन चेंज भी कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के अंदर मोड ऑफ होल्डिंग सिंगल इन्वेस्टर हो सकता है या आप ज्वाइंटली मोड पे कर सकते हैं। ज्वाइंटली मोड पे एक ही प्रावधान है कि आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड जो कि आपके स्पाउस है वही इसमें ज्वाइंट में रह सकते हैं, आप अपने सन डॉटर या किसी रिलेटिव को ज्वाइंटली नहीं रख सकते हैं। तो सीनियर सिटीजन FD के अंदर पहला जो होल्डर होगा वो सीनियर सिटीजन होगा और दूसरा उनकी स्पाउस होगी। फिर जो क्वेश्चन आता है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर कौन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम्स के अंदर इंडिया में रहने वाले सीनियर सिटीजन इन्वेस्ट कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम्स में HUF इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, NRI इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, PIO इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, और जो OCI होल्डर है वो इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के अंदर अगर किसी फैमिली में, जैसे अगर आपकी फैमिली में दो सीनियर सिटीजन है, आपके पेरेंट्स या आप और आपकी वाइफ, अगर आप दोनों सीनियर सिटीजन हैं या आपके पेरेंट्स वो दोनों सीनियर सिटीजन हैं, तो हस्बैंड और वाइफ और वाइफ और हस्बैंड दोनों 15 लाख और 15 लाख इस हिसाब से एक फैमिली में 30 लाख रुपए तक की सीनियर सिटीजन FD या सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं। एक फाइनेंशियल प्लानर और वेल्थ एडवाइजर हूँ। जब हम हमारे सीनियर सिटीजन क्लाइंट्स की पोस्ट रिटायरमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो हम उन्हें RBI के बॉन्ड्स, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड की लिक्विड और डेट स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करने की एडवाइस देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, फिक्स इनकम या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना है, अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए तो आप हमें फोन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर आपकी किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक या फिर नेशनलाइज बैंक में कुछ FD है जिसका रिटर्न 5.5% से 6% के बीच में है, तो मैं आपको ये एडवाइस देता हूँ कि आप वो FD को ब्रेक करें, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप उसे कन्वर्ट करें, ताकि आप 6% से 7.4% के एक्स्ट्रा इनकम को अर्न कर पाएंगे। 1.4% का एक्स्ट्रा इनकम एक बहुत ही बड़ी अमाउंट होती है 5 साल के लिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी 15 लाख रुपए की FD 6% की FD में है, 15 लाख रुपए अगर आपने 6% की FD में इन्वेस्ट किया है, तो आपकी ईयरली इनकम होती है 90,000 रुपीज या 90,000 रुपए इंटरेस्ट इनकम। वही अगर आप सीनियर सिटीजन FD करवाते हैं तो उसकी आपकी जो इनकम होगी वो होगी 111,000 रुपए। तो 111,000 रुपए और 90,000, इन दोनों में 21,000 का डिफरेंस है। तो अगर आप 15 लाख रुपए की नॉर्मल FD की जगह सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक साल में 21,000 बचा सकते हैं। इसी हिसाब से आप 5 साल में 105,000 रुपए बचा सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम कहाँ पे करवा सकते हैं आप? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पोस्ट ऑफिस की किसी भी ब्रांच में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप नेशनलाइज बैंक की कोई भी ब्रांच में कांटेक्ट कर सकते हैं, या प्राइवेट सेक्टर में आप ICICI बैंक को अप्रोच कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइए। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से रिलेटेड सारे पहलुओं को मैंने कवर किया है। अगर ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर सिटीजन के साथ में शेयर करें ताकि वो इस स्कीम का लाभ उठा सके। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आज ही करें, ताकि पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस आपको इसी तरह से मिलते रहेंगे। टिल देन, बाय, साइनिंग ऑफ।